हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैं आज आई हुई हूँ महरौली में। मोहम्मद कुली खां का मकबरा है और ये बैनर पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है जो हिस्ट्रिकल प्लेस के बारे में देख सकते हो गाइस आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा क्योंकि मेरी दो वीडियो से ये अलग है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। इस सीढ़ी से गाइस चलेंगे अब अंदर और सबसे पहला जो काम होगा मेरा वो आपको सबसे पहले मोहम्मद कुली खां का मकबरा दिखाना। बाद बाकी फिर मैं अंदर की सारी चीज़ें दिखाऊंगी, पहले आप इसका व्यू देखिए गाइस। है ना गाइस, इतना खूबसूरत ये मकबरा। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, इतना ओल्ड है ये फिर भी देखने से नहीं लगता ये इतना ओल्ड है ये टॉम्ब। और इस पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। ओके गाइज, मैं आप लोगों को अब बहुत ही ज़्यादा डीपली दिखाऊंगी दीवार पे जो कारीगरी है और जो कुरान की जो आयतें हैं देख सकते हो गाइज, माशाल्लाह ये कितनी प्यारी है और ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। इस पर काई सी दीवारों पे लग रही हैं, ये जो बारिश के पानी से या बहुत पुराना है ये टॉम्ब, इस वजह से देख सकते हो जो काई है, फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो ये छोटा सा टॉम्ब बट खूबसूरत बहुत है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी इधर लिखा हुआ है दीवारों पे। यहाँ की सारी दीवारों पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और जो इस पर कारीगरी है वो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप अंदर भी देख सकते हो गाइस इस तरफ। और ये गाइस छोटी छोटी जो ताके बनी हुई हैं लाइट्स के लिए, लाइट वगैरह रखते होंगे उस ज़माने में, देख सकते हो गाइस इस तरह का। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अब लेके जाऊंगी अंदर। अंदर का आप लोगों को पूरा डीपली दिखाऊंगी अब इसके अंदर का कैसा है व्यू। और आप देख सकते हो गाइस इसकी दीवारें इस तरह की हो गई हैं, इतना ओल्ड होने के बावजूद भी ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मकबरा। और मैं यहाँ ये जो ताके बनी हुई है, मैं इसे ताके बोलती हूँ, जो लाइट वगैरह पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। सो मैं आपको दिखाऊंगी कैमरा थोड़ा रोटेट करके। सो गाइस देख सकते हो, पर इसमें एक अच्छी बात है कि मतलब जगह छोटा सा मकबरा है पर दरवाजे देखो, एक दरवाजा ये है, दरवाजा में खाने जाने का रास्ता, सेकंड ये है, एक ये वाला है और थर्ड एक ये वाला है, थर्ड एक ये वाला है, मतलब ज़्यादा अंदर जितना स्पेस नहीं है, पर 1, 2, 3 एंड एक पीछे है, एक फोटो में दिखा दूंगी आपको, फोन दरवाजे हैं। और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, हमने सोचा था कि कुछ ज़्यादा खास होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बट हाँ, जो इसकी जो कारीगरी है ना, जो मैं आपको दिखाऊंगी कैमरा रोटेट बैक कैमरा करके, मतलब कैमरा रोटेट करके, इसकी जो खूबसूरती है, जो कारीगरी है वो ज़्यादा बेस्ट है, बस यहाँ कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक जो ये चीज़ है, ये
ये पता नहीं खिड़की है क्या है पुराने जमाने का, क्या इसे क्या कह सकते हैं, लाइटें वगैरह रखने के लिए, कुर्ते वगैरह रखने के लिए है ये क्या पता नहीं, पर ये छोटी सी पता नहीं ये एक वन ताक ताक जिसमें लाइट वगैरह ये सामान वगैरह रखते हैं, और टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इतने छोटे से कमरे में सात ताके हैं और ये दरवाजा बंद नहीं है, फोर है। सो गाइस मैं कैमरामैन पांडू से कहूंगी, आप लोगों को पता होगा गाइस कि मैंने कैमरामैन एक रख लिया है जिनका नाम पांडू है और ये बहुत बेस्ट वीडियो शूट कर रही है आजकल मेरा। सो गाइस आपको मैं मिलवाऊंगी अपने कैमरामैन पांडू से। कैमरामैन पांडू आप हाई कर सकते हो। आज नहीं मैम, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी। सो गाइस देख सकते हो जैसे मेरे कैमरामैन पांडू ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने जैसा कि उनको वर्क पे रखा है तो वो अपनी ड्यूटी सही से निभा पा रहे। थैंक यू मैम। कैमरामैन पांडू आप इधर दिखाएंगे, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और ये सीख सकते हो कि ये जो ये दिखाइए बिल्कुल फोकस कीजिए, जो सीढ़ी है ये यहाँ से सीढ़ियां स्टार्ट हो रही है। कैमरामैन नहीं बोलते हैं ना, सीढ़ियां जो दिख रही है गाइस आप लोगों को बहुत ही सख्ती के साथ इसे लॉक किया हुआ है, देख सकते हो किसके अंदर क्या है ऐसा मुझे नहीं मालूम, बट ये बहुत ही सख्ती के साथ इस पे लगा हुआ है, ये मैं यहाँ बोल रही हूँ लॉक है। और आप देख सकते हो कैमरामैन इधर पांडू आगे में दिखाएं आप, ये अंदर जाने के नहीं दिखा सकती गाइस मैं आप लोगों को क्योंकि पॉसिबल नहीं, बट ये जो सख्ती से ये जो इस पे लॉक कि ये कोई भी खोल ना पाए, बहुत ही मजबूत से सड़िए से ये ऐसे लॉक है। और कैमरामैन पांडू आप इधर आइएगा। यस मैम भी तो कहना होता है। यस मैम। कैमरामैन पांडू बिल्कुल भी कैमरे को हिलाते हुए नहीं, आराम आराम से आए। और कैमरामैन पांडू ध्यान से दिखाएं, वीडियो शूट के साथ साथ कैमरा नीचे ना गिरा दे। देख सकते हैं गाइस ये क्या था, किस तरह से उनका पहले के बादशाह का राजा का किस तरह से ये बना रहता था घर। सो गाइस देख सकते हो कैमरामैन पांडू कैमरे को ध्यान से पकड़ के मजबूती के साथ रखे, वरना ऐसा ना हो कि साथ दिखाने के साथ साथ आप कैमरे को फेंक दे नीचे। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ चार दरवाजे हैं और इस वाले दरवाजे से कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब चारों दरवाजे से अलग अलग तरह का व्यू दिखता है। सो गाइज ये सेकंड दरवाजे से इस तरह का है। और आज सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी, मुझे वीडियो शूट करने में मुझे बिल्कुल भी डर सा फील नहीं हुआ, मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी यहाँ आकर। और गाइज कभी आप लोग महरौली आओ तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में कि इस मकबरा के साइड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पेड़ और झाड़ियाँ, यहाँ सारे ऑलमोस्ट सारे मकबरे के साइड में पेड़ झाड़ियाँ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है ये महरौली। जिनको हिस्ट्रिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है वो गाइस ज़रूर आए यहाँ पर, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ हिस्ट्रिकल प्लेसेस में। और इस मकबरा के साइड में बहुत अच्छा पार्क भी है, अभी तो फ़िलहाल कोई लोग दिख नहीं रहे इस पार्क में, इवनिंग का टाइम हो गया तो सारे लोग घर जा चुके हैं और हम भी जा रहे हैं अब घर ही। सो गाइस अब चल रहे हैं घर, हम घर जा रहे हैं, हम देख सकते हो आप। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो हम जा रहे हैं घर और शाम ज़्यादा हो गई है, शाम नहीं हालांकि रात हो गई है, अब तो ज़्यादा शाम से ज़्यादा हो गया है वक्त, अब चल रहे हैं घर।
हालांकि मैंने मैरोली में जितने सारे टॉम थे और जो भी था बहुत कुछ मैंने यहाँ की चीज़ें दिखा दी। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस दिखाने के लिए, मैं वो अब स्किप कर रही हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे कि एक ही जगह है दिखता है इन लोगों को मैरोली, जो कि बार बार चली जाती है। तो मैं 1 वीक के बाद अब फिर से विज़िट करूँगी यहाँ मैरोली में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक है और वीडियो शूट करने के लायक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। ठीक है, जब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़।